मेरे पास तो शायद शब्द भी नहीं है बताने की कि कैसा लग रहा है और जिनसे भी मैं मिली जिन जिन व्यक्तियों से चाहे एक मिनट के लिए मिली आधे घंटे के लिए मिली सब में इतना प्रेम और सब में इतना देने के लिए बहुत ज्यादा वो देने का इतना ज्यादा है मन मन से आंखों से लगता है कि ये सिर्फ देने के लिए मिले हैं कुछ लेने के लिए नहीं मिले हैं तो वो एक जो फीलिंग आती है ना कि वो आदमी उससे बहुत भावुक भी हो जाता है एक तरीके से क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो शायद इसीलिए मिल रहा होगा या शायद क्योंकि दुनिया में लेन देन तो चलता ही रहता है जी। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगा कि जिनसे भी मैं मिल रही हूँ वो कुछ देने आए हैं मुझे चाहे वो प्यार हो चाहे वो इज्जत हो चाहे वो खाना हो <laughs> कुछ भी हो लेकिन कुछ देने ही आए हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं एक स्वर्ग जैसी जगह पे आ गई फीलिंग होती हो तो तो होगी बातें होती है तो यहाँ पे जो सिर्फ देने की बातें हुई तो वो भी मन होता है कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचू आप गायकी के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि जब आप कभी उदास हो जाती हैं या हमारी दर्शक कभी उदास हो जाएं कौन सा गीत गुनगुना लें या आप गुनगुनाती दिया जिससे मन फिर से खुश हो जाए ऐसे हैं कुछ-कुछ मैं कह सकती हूँ कोहिनूर जैसे बिल्कुल हीरे जैसे तो गाने हैं सुनना चाहेंगे क्योंकि लोगों जी, के जीवन जी, में आज तो उदासी या निराशा आ जाती है लेकिन उसे दूर करने के लिए ये दो लाइनें बहुत मदद कर देंगे बिल्कुल मेरी आंखों से अध्यात्म को आ, थोड़ा सा दूर का विषय मानते हैं धर्म को थोड़ा दूर का विषय मानते हैं कि साठ साल के बाद करेंगे <laughs> आपका विचार संक्षेप में जानना चाहूंगा और लोग अध्यात्म की ओर बढ़े इसके लिए कोई दो लाइने सुना अब तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से दुनिया चल रही है जितना जल्दी आप इसको पकड़ लें उतना अच्छा है क्योंकि आ, ये जीवन में आपके बिल्कुल जैसे कह सकते हो मित्र की तरह आपका साथ देगा पूरे जीवन भर जो आ, आपकी जो मेडिटेशन है और आपका जो संगीत है ये जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल मित्र की तरह होते हैं तो ये आपका हमेशा साथ देंगे और इसकी कोई उम्र नहीं होती जैसे कभी कभी कोई चालीस वर्ष आके मुझे पूछते हैं कि अब मैं संगीत सीख सकता हूँ क्या मैंने तो सीखा नहीं पर मुझे शौक है और मैं उनसे हमेशा कहती हूँ आप प्लीज़ सीखें जी. आपकी उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं साठ के बाद सीखें चार के पहले सीखें ऐसा कुछ भी नहीं है कई कई तो माए बच्चों को लेके आती कि ये तो अभी बहुत छोटा है अब मैं इसको क्यों सिखाऊं संगीत में बोलते बिल्कुल सिखाइए ये।, ये दो साल का है एक साल का है बोलना नहीं आ रहा फिर भी आप सिखाएं फिर भी आप सुनाएं क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है इसका कोई आ, मैंने खुद एक दो साल की उम्र में बोलना जैसे सीखा बिल्कुल वैसे संगीत वैसे आता गया जी, 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 तो जी, वो इसमें बहुत जरूरी है ये बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल मतलब ऐसा ही बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत करें आप जहाँ से आपको लग रहा है की जीवन में कमियां हैं आपको पूरी करनी आप अपने आप को खो रहे हैं धीरे धीरे ये जो है अपना दोस्त मान लीजिए इसे और इसके साथ रखे उसकी ओर प्रेरित हो सभी उसके लिए दो लाइनें आप हमें जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं जो आपके हृदय के बहुत करीब है जो आपको ईश्वर से जोड़ देता है हा, हा, हा,

सुंदर ऐसे लगा मन के तार जैसे ईश्वर से जुड़ गए हैं और सचमुच मन के, के तार ईश्वर से जुड़ जाए तो जीवन कितना सहज सरल हो जाता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है इससे इस बात को आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है श्क्रिया। श्क्रिया आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों से मुखातिब होने के लिए अपने सुंदर अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप जीवन में बहुत आगे बढ़े बहुत उन्नति करें है ऐसी हमारी शुभकामनाएं और अपने संगीत के माध्यम से <laughs> सभी तक अध्यात्म का भी संदेश पहुंचाते रहे बहुत अच्छा थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति ओम शांति